हेलो फ्रेंड, आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लाइसोसोम। हम लोगों का सेल टॉपिक चल रहा था, सेल चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा था लास्ट टाइम में गॉल्जी बॉडी के बारे में, जिसका डिस्कवर कैमिलो गॉल्जी नाम के साइंटिस्ट ने 1898 में किया था। आज उसके बाद का टॉपिक हमारा है लाइसोसोम। क्या होता है ये लाइसोसोम, क्या फंक्शन करता है, आज हम लोग इन सारे टॉपिक पर ध्यान देंगे, डिस्कस करेंगे। ओके ओके नाउ जैसा कि आप लोग नाम देख रहे हैं यहां पर लिखा हुआ लाइसोसोम। लाइसोसोम कम फ्रॉम द टू वर्ड, द फर्स्ट वर्ड इज लाइस और लाइसिस से बना है, एंड सोम ये वर्ड आया सोमा से, दैट मीन्स अ बॉडी। दैट मीन्स लाइजो मिस होता है, लाइस मिस होता है स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन, सोम इज बॉडी, दैट मीन्स वैसा बॉडी सेल का जो ब्रेकडाउन करने में हेल्प करता है, जो स्प्लिट करने में हेल्प करता है, तोड़ने में हेल्प करता है, उस बॉडी को बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। ओके, जिसका डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट का नाम था डीडीयू, ठीक है, डीडीयू नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था। ओके, ये लाइसोसोम जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो गॉल्जी बॉडी के पास होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गॉल्जी बॉडी से ही होता है। ओके, ये स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेनस। मैंने डिस्कस कर रखा है कि सेल के अंदर बेसिकली थ्री टाइप्स के सेल ऑर्गेनेल होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस एंड मेम्ब्रेनलेस, जिसमें आपका राइबोसोम सेंट्रोसोम हो रहा था जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो ये एक सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होता है। ओके, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं। इसका जो साइज होता है वो 0.1 to 0.8 माइक्रोन मीटर होता है। ओके, ये आपको याद रखना होगा या आपके वन वर्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि इसका जो मेम्ब्रेनस होता है स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसमें अप्रॉक्स 50 टाइप्स से भी ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले उससे पहले हम डिस्कस कर लें कि भाई आखिर इसका ऑर्गेनाइजेशन होता कैसे है। ओके, नाउ यहां देखते हैं डायग्राम पर ध्यान देते हैं हम लोग। सेल के अंदर ये जो पार्ट आपका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिंथेसाइज किया। सिंथेसाइज प्रोटीन जो है वो अभी यूज के लिए नहीं होता है, ठीक है, बाद में उसकी पैकेजिंग होती है, उसको तैयार किया जाता है ताकि वो सेल के अंदर यूज हो सके, जो काम करता है गॉल्जी बॉडी। गॉल्जी बॉडी ने उस प्रोटीन या लिपिड का जो सिंथेसाइज हुआ था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसको सिंथेसाइज उस प्रोटीन और लिपिड को पैकेजिंग किया, उसके साथ अटैच किया दूसरे मॉलिक्यूल को और उसे रेडी किया कि वो सेल के दूसरे ऑर्गेनेल में यूज हो सके। ओके, अब वो जो पैकेजिंग जो मटेरियल है वो अब सेल के दूसरे ऑर्गेनेल में जाएगा, इसी से लाइसोसोम भी बनता है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो गॉल्जी बॉडी जो वेसिकल्स होते हैं, ये वेसिकल्स जो है वो बाद में लाइसोसोम का जो है फॉर्मेशन करते हैं। ओके, ये बाद में लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और लाइसोसोम में चूंकि आपके प्रोटीन और लिपिड के सिंथेसाइज के बाद ये लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या होता है भाई, एंजाइम जो है वे आपके प्रोटीन से बने हुए सब्सटेंस होते हैं, एमिनो एसिड से बना हुआ सब्सटेंस होता है एंजाइम। ओके, हॉर्मोन्स और एंजाइम में यह थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हम लोग डिस्कस करेंगे आगे में कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, एमिनो एसिड से बना हुआ होता है, हॉर्मोन्स जो होते हैं उसमें आपके स्टेरॉयडल यानी कि लिपिड का भी थोड़ा सा कंटेंट पाया जाता है, जो हम लोग उसके बायो मॉलिक्यूल लेवल पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो लाइसोसोम के अंदर जो है वो बेसिकली 50 टाइप से भी ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम को कहते हैं हम लोग हाइड्रोलेजेस, ठीक है, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज क्यों बोल रहे हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, किसी भी मॉलिक्यूल के डाइजेशन में वाटर वहां से स्प्लिट होता है, टूट के निकल जाता है, तो मॉलिक्यूल जो है वो अलग होता है।
बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल हैं, या अगर मैं बात करूं सिंपल कार्बोहाइड्रेट की किसी भी फॉर्म की, अगर मैं बात करता हूं किसी भी डाइसेक्राइड्स की, ठीक है, जिसमें आपके दो मोनोमर्स जुड़े हुए हैं, तो बीच से अगर डाइजेशन होगा, बीच से वाटर को रिलीज कर दिया जाएगा, तो वो दो मॉलिक्यूल में अलग अलग टूट जाएंगे, सिंगुलर फॉर्म में आ जाएंगे, जो बॉडी के लिए यूज हो सकता है। प्रोटीन जो है लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड है, तो बहुत बड़े बड़े चेन है अमीनो एसिड के। सपोज दैट ये आपके अमीनो एसिड है, ये आपस में जुड़ा हुआ है, ये अभी बॉडी यूज नहीं कर सकता है, लेकिन जब इसके बीच के बॉन्डिंग टूट जाएगी तो ये सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग आराम से हमारे बॉडी यूज कर सकते हैं, हमारा सेल यूज कर सकता है। जिसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, और वो एंजाइम लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो कितने टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं? 50 से भी ज्यादा टाइप्स के एंजाइम होते हैं। जैसे आपका लाइपेज एंजाइम लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, कार्बोहाइड्रेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए, न्यूक्लिएज एंजाइम न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए, सो ऑन। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द लाइसोसोम दैट हेल्प टू डाइजेस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल, ठीक है, विच आर यूजेबल फॉर द सेल। ओके, बात समझ में आ रही अच्छे से आप लोगों को। इसके अलावा अब सवाल ये उठता, क्वेश्चन ये आता है कि ये तो एनिमल सेल की बात हम लोग कर रहे हैं कि एनिमल सेल में लाइसोसोम होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर 50 से भी ज्यादा टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो क्या ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है? क्या प्लांट्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो प्लांट्स में डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो नहीं। प्लांट्स में डाइजेशन में या किसी भी सब्सटेंस को डाइजेस्ट करने में उनके वैक्यूल हेल्प कर जाते हैं, मोस्टली प्लांट में, ठीक है, मोस्टली प्लांट में जो है वैक्यूल डाइजेशन का काम, प्रोसेस को पूरा करता है, क्योंकि वैक्यूल उसमें एक बड़ा स्पेस लेता है। ओके, कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, अगर मैं बात करूं आपके बैक्टीरिया सेल की, तो उनके बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो ऑर्गेनेली होते हैं, मे बी वो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ये सब पॉइंट जो टॉपिक है, ये आपको वन वर्ड क्वेश्चंस में हेल्प करता है, ताकि एग्जामिनेशन में, किसी कंपिटेटिव एग्जाम में आपको 9th 10th में पूछ दे, ठीक है, तो आप उसमें जवाब दे सकते हैं। ओके, नाउ क्या काम करता है, फंक्शंस क्या होते हैं लाइसोसोम के? ये तो हो गया इसके स्ट्रक्चर की बात, के भाई ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप का होता है, 0.1 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। ये इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गॉल्जी बॉडी से होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है। ओके, इसके अंदर 50 से ज्यादा टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसको हाइड्रोलेज बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर को स्प्लिट करने में हेल्प करता है, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प करता है, बेसिकली एंजाइम्स के लिए फंक्शन होता है। इसका काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम? तो यहां पर मैंने बेसिकली तीन फंक्शन बताया है। नंबर फर्स्ट इज द हेट्रोफेगी। हेट्रो मींस होता है, वी नो दैट हेट्रो मींस अदर के सेंस में यूज करते हैं हम लोग। हेट्रोफेगी के मतलब होता है कि सेल के अंदर बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडीज को ये किल करता है, मारता है। ओके, जो सेल के लिए सुटेबल नहीं है, सपोज के ये कोई फॉरेन बॉडीज है, और ये फॉरेन बॉडीज अगर सेल में चला गया तो सेल को डिस्टर्ब कर देगा, इसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब कर सकता है, तो लाइसोसोम इस फॉरेन बॉडीज को डाइजेस्ट कर जाएगा, किल कर जाएगा और सेल को नुकसान से बचाएगा। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं ये हेट्रोफेगी। फेगी जो वर्ड है ये फेगस से आया है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है इनगल्फिंग, ये बाहर से आने वाले फॉरेन बॉडीज को इनगल्फ कर जाता है, खत्म कर देता है, खा जाता है, ठीक है ना, ताकि वो सेल को नुकसान पहुंचाने से बचा सके। ओके, हेट्रोफेगी मींस फॉरेन बॉडीज से ऑटोफेगी। ऑटो मींस होता है क्या, सेल्फ, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है सेल के साथ में कि सेल के कोई पुराने सेल ऑर्गेनली हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, या जिनके अभी जरूरत नहीं है, या जो यूजलेस हो चुके हैं, जो डेथ कर चुके हैं, तो उस सेल ऑर्गेनली को भी डाइजेस्ट कर जाता है लाइसोसोम। ओके, कैसे करता है, फिर वही कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और कोई भी सेल ऑर्गेनली जो है वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ होगा, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ था,
अगर आपको याद होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो वैसे दूसरे सेल ऑर्गेनेल भी किसी न किसी माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए होते हैं, हमारे बॉडी भी माइक्रो मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो किसी भी तरह का सेल ऑर्गेनेल जब वो डेड हो जाता है या ओल्ड हो जाता है या स्टार्वेशन, जब सेल को बहुत ज्यादा जरूरत होती है एनर्जी की, तो वो अपने सेल ऑर्गेनेल को ही खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। तो इस तरह के केस को बोलते हैं ऑटोफेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट है ऑटोलाइसिस। ऑटो मतलब सेल्फ, लाइस मतलब ब्रेक डाउन। अब यहां पर ऑर्गेनेल की बात नहीं कर रहे हम लोग, इसमें क्या हो रहा था कि सेल ऑर्गेनेल को वो डाइजेस्ट कर रहे थे, यहां पर खुद के होल सेल को वो डाइजेस्ट कर जा रहे हैं। किसी ऐसे केस की में जहां पर खुद को होल सेल को डाइजेस्ट कर जाए, दैट इज कॉल्ड ऑटोलाइसिस, जिसको इसलिए हम लोग लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं, सेल की आत्महत्या की थैली। अगर लाइसोसोम ब्रस्ट कर जाए तो लाइसोसोम के ब्रस्ट करने की वजह से ये होल सेल को डिस्टर्ब कर देगा और दूसरे सेल ऑर्गेनेल को भी खत्म कर देगा। ओके, बात समझ में आ रही है। अब यहां से एक पॉइंट और याद रखिएगा, नाइन्थ क्लास में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा, लेकिन याद रखने जरूरी है। ठीक है, जो लाइसोसोम का अपना एक पीएच वैल्यू होता है, अपना एक एनवायरमेंट होता है, ये इसका पीएच वैल्यू 5 होता है बेसिकली। ठीक है, हाई पीएच वैल्यू पे ये एसिडिक मीडियम पे वर्क करते हैं, एंजाइम जो है वो किसी भी चीज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हुआ आपका लाइसोसोम का एक क्लास। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से एक ओवरव्यू देते हैं। लाइसोम जो वर्ड आए, दो वर्ड से मिला हुआ है, लाइजो लाइस वर्ड से और सोमा वर्ड से, स्प्लिटिंग बॉडी। ठीक है, इसका डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ड्यूडियो, उन्होंने लाइसोम को डिस्कवर किया था। स्फेरिकल शेप लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेनस से बना हुआ होता है, इसका साइज 0.1 टू 0.8 माइक्रोन मीटर होता है, इसका अपने पीएच वैल्यू होता है जिसका 5 होता है पीएच वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसमें 50 से भी ज्यादा टाइप्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलेज कहलाते हैं, क्योंकि ये वाटर को स्प्लिट करता है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ठीक है, लाइपेज, इस तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सेल के दूसरे माइक्रो मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। प्लांट्स में लाइसोसोम में भी प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, नहीं होते हैं तो क्योंकि वहां पर वैक्यूल्स लाइसोसोम का जैसा वर्क करता है, फंगस में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके, हर एक पॉइंट को सुनिएगा और ध्यान रखिएगा, ये आपका वन वर्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है लाइसोसोम का, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी के हेल्प से हो रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड का सिंथेसाइज किया, वो आगे फर्दर प्रोसेस हुआ पैकेजिंग के लिए गॉल्जी बॉडी के पास गया और वहां से वेसिकल्स के फॉर्म में लाइसोसोम को फॉर्मेशन हुआ। तो बोल कोई पूछते अगर आपसे कि लाइसोसोम को फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये आपका लाइसोसोम का बायोजेनेसिस जो है, ये आपका गर्ल एक हम लोग याद रखते हैं। ठीक है, GERL, ठीक है ना, गर्ल्स होता है गॉल्जी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम अराइज, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके हेल्प से जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गॉल्जी बॉडी के हेल्प से। फंक्शन बेसिकली इसका 3 है, हेट्रोफैगी नेचर का होता है, ये फॉरन बॉडीज को डाइजेस्ट कर जाता है। ऑटोफेगी नेचर का होता है, अपने पुराने ओल्ड सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर जाता है, या फिर ऑटोलाइसिस भी करता है कभी कभी, ये खुद के होल सेल को भी डाइजेस्ट कर जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। आई होप क्लास आपको समझ में आया होगा। ये आपका टोटल जो चल रहा था एंडो मेम्ब्रेनस सिस्टम का पार्ट चल रहा था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन सबको भी इसका आइडिया हो सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।